अच्छा जी, आज जुमेरात है और पीर को यानी सोमवार को पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने जा रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी इस पार्लियामेंट के इजलास से आ भी सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से गम का माहौल भी होगा, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं 540 प्लस इंडिया के अंदर, उन पार्लियामेंटेरियंस की जो हुकूमत है इस वक्त, जिसको बीजेपी लीड कर रही है या एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का ये आखिरी पार्लियामेंट का इजलास होगा। इस इजलास में कई लोग ऐसे हैं जो आखिरी मरतबा पार्लियामेंट में बैठेंगे, कई लोग हो सकता है अगले इलेक्शंस में, जब आप अप्रैल मई के आसपास इलेक्शंस होंगे तो बहुत सारे लोग हार जाएं, उससे पहले भी इलेक्शन होते हैं, तो दोबारा उनको शायद मौका यहां आकर और मिलने का मौका ना मिले, दोबारा वो एमपीज ना बने। लेकिन इस हुकूमत ने एक लिस्ट तैयार की है 18 बिलें पेश करने के लिए, 18 बिल्स। लोकसभा सेक्रेटरीट से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये मेरे हाथ में है, मैं कुछ पढ़कर सुनाऊंगा, और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबरें हैं। एक तरफ जहां गुज्जर महापंचायत 3 तारीख को हो रही है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मत दो, गडारीज को, गड्डा ब्राह्मण्स को, या फिर जो पटारीज हैं, सॉरी, या गड्डा ब्राह्मण्स हैं, कोलीज हैं, उनको इस पसमानदा तबकात के दर्जे में मत लाइए, उनको एसटी स्टेटस मत दीजिएगा, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये इसी साल देने के लिए, बल्कि उसके लिए राह हमवार करने के लिए तैयारी कर चुकी है। दो चीजें मैं आपको बताऊं, 4 दिसंबर से 2022 तक यानी पीर के रोज इसी महीने का ये जो आखिरी और इस हुकूमत का आखिरी पार्लियामेंट्री सेशन है, और ये विंटर सेशन भी कहलाता है, नई बिल्डिंग होगी और नए कुछ फैसले होंगे। इसमें 18 बिल्स जो हैं, उनमें जम्मू कश्मीर के 4 बिल हैं, जो लिस्ट है मैं वो पढ़कर सुनाऊंगा, पहले भी आपको कई मरतबा दिखा चुके हैं। 18 बिलों की जो फहरिस्त तैयार की गई, जो लिस्ट है, इसमें विमेन रिजर्वेशन एक्ट की जो दफात हैं जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने, और 3 जो मुजरिमाना कवानीन की तब्दील वाले बिल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो खवातीन को भी असेंबली में रिजर्वेशन देने के लिए 33% का हिस्सा देने के लिए एक तो उस बिल के मुतालिक चर्चा होगी। लोकसभा सेक्रेटरी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो ये भी बताता है, सरकार एक और बिल लाने का मंसूबा बना चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली की सीटों की तादाद 107 से बढ़ाकर 114 करने की तजवीज़ पेश की गई है, ताकि जो कश्मीरी मुहाजरीन हैं, पंडित हैं, या फिर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुहाजरीन हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कहलाते हैं, और दर्ज फहरिस्त कबाइल अफराद को नुमाइंदगी करने का मौका मिले, उनको नुमाइंदगी फराहम की जा सके, रिप्रेजेंटेशन, यानी जो एससीज एसटीज पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात होती है ना, वो यहां पर भी आ जाती है। जब इस बिल को आप डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ड्राफ्ट देखेंगे, तो ये चीजें आती हैं उसमें, तो ये बिल भी तैयार है। तीसरा बिल है 2023-24 के लिए ग्रांट्स की जो जिमनी मुतालबात हैं, उसको पहले बैच को सेशन के दौरान ही पेश करने, बहस करने और वोटिंग के लिए दर्ज किया गया है। दिस इज द 3rd बिल। और 4th बिल जो है वो आप सब जानते हैं, एससीज और एसटीज को लेकर जो काफी ज्यादा बहस छिड़ी है कि क्या पहाड़ियों को दिया जाएगा, गड्डा ब्राह्मण्स को एसटी शेड्यूल दर्जे में, शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो अगर 2029 से पहले पहले ये सारी पेशरफ्त हो जाती है, ये 4 बिल जो हैं, 29 से 30 सीटें जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली में खवातीन के लिए होंगी, वो बिल पास करने की तैयारी है। इसके अलावा एससी एसटी वुमेन जो हैं उनको भी मौका मिलेगा रिजर्वेशन के तहत, 33% जो रिजर्वेशन की बात हो रही है वो भी नुमाइंदगी करने का मौका हासिल कर सकेंगी। इसके अलावा 50% के आसपास सीटें जो हैं वो रिजर्व अगर हो जाती हैं, तो दैट मीन्स जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग तरह का पॉलिटिकल सिनारियो बनेगा इनकमिंग डेज। लेकिन असल मकसद जो है वो ये मैं 18 बिल्स आपको बता रहा हूँ, जिनमें से जम्मू कश्मीर के बिल भी हैं। एक बिल है कि 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल होंगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो रेफ्यूजीज हैं, पीओजे के या वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जिनको आप कहते हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में मौका मिले, और ये जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इख्तियारात होंगे, हक होंगे, इस ऑर्डर के तहत जब ये बिल पास कर लिया जाएगा, बहस होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के इस पर सिग्नेचर होंगे, तो उनके पास होगा कि वो इन्हीं में से किसी को चुनकर 2 नाम आगे दें, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेड ऑफ स्टेट। और चौथा और इम्पोर्टेंट बिल शेड्यूल ट्राइब का, पहाड़ीज को, एथनिक ट्राइब, पठारी ट्राइब, गड्डा ब्राह्मण और कोलीज, KOHLI नहीं KOLIS, ये उधमपुर के आसपास, जम्मू के आसपास कुछ लोग रहते हैं, उनको भी यहाँ पर इसमें शामिल करने की कोशिश है। इसके अलावा जो बिल एक है अदर सोशल कास्ट का, OSCs की है, बैकवर्ड क्लासेस इसमें शामिल की गई हैं जिनके रिजर्वेशन का मामला है, और वाल्मीकिज को भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में या SCs में शामिल करने, और ये सारे मामलात हैं। लेकिन जो 18 बिल हैं, इनमें 4 में से 1 बिल जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो है खवातीन का, और दूसरा बिल जो पहाड़ीज के मुतल्लिक है, जिस पर कोलीज, गड्डा ब्राह्मण से सारे। बहरहाल ये अच्छी खबरें हैं, इस बार का प्लान फिक्स्ड है,
31 बिल थे, 13 ऑलरेडी पास हो चुके हैं। पिछला जो सेशन हुआ था मॉनसून का, बीच में स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ये जो सेशन है आखिरी सेशन, इसमें हरी झंडी दिखाने और साथ साथ चूंकि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही है वो एससी एसटी के मुद्दे पर भी हो रही है, और इसी फैसले को हरी झंडी ना दिखाई जाए इसके लिए जो गुजर बरादरी है या गुजर तबका है वो भी लड़ रहा है, और कई लोग जिन्होंने एहतजाज किए, मार्चेस निकाले, लेकिन वज़ीर दाखला की यकीन दहानी कि ना एक से छीनेंगे और दूसरे को देंगे ये हम नहीं करेंगे, एक को मिला है तो दूसरे को मिलेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व फॉर दिस और कैटेगरीज सेम है, ये तो कहा गया। दूसरा ये भी कहा गया कि 3 तारीख को एक महागुजर पंचायत होने जा रही है जम्मू में, उस पर भी सबकी नजरें, क्या मुतालबात, लेकिन उससे पहले बिल 18 सामने आए हैं और ये लोकसभा सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन है जिसमें पहाड़ीज को भी एक अच्छी खबर सुनाई गई है, और पसमानदा तबकात जिन पर ज्यादा फोकस है, खवातीन को अगर 33% रिजर्वेशन मिलती है विच मीन्स 29-30 सीटें जो है आसपास वो बढ़ जाएंगी खवातीन के लिए चली जाएंगी, तो पॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही थी उनको आप कानून के जरिए, बिल्स के जरिए अमलीजामा पहनाने की कोशिश। 4 तारीख आप हमारे साथ रहेंगे जिस दिन पहला बिल पेश किया जाएगा और लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जाए, यानी अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये दोनों जाएंगे। अच्छा, कुछ साथी पूछ भी रहे हैं, चलिए मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दूंगा, लेकिन 26 जुलाई की तारीख याद होगी, लोकसभा में ऑलरेडी एक बिल पेश किया जा चुका है जो पहाड़ी के मुतालिक है, जो रिजर्वेशन की बात है, हंगामा काफी ज्यादा हुआ था लेकिन कोई असर, ये इस हुकूमत की यही एक चीज है कि जो चीज ठान ली वो करके देते हैं, तो ठीक वैसा इस बार देखने को मिल रहा है, और कोई भी अच्छी खबर एहतजाज करने वालों के लिए नहीं, सिर्फ अगर सिर्फ किसी के लिए अच्छी खबर है दैट इज़ अबाउट कि जो पसमानदा तबकात हैं या पहाड़ी उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है।